हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज चुका है और मैं अभी उठा हूँ। मेरा रूम पार्टनर अभी तक सोए हुए, तो अभी 9 बज चुका है। तो अभी थोड़ा चाय फाय बनाएंगे, पियेंगे और आपसे बातें करेंगे। ये मैं फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। जब मैं इसको मार्केट से लेने के लिए गया तो इसको 400 के लिए बोल रहा था, तो फ्लिपकार्ट पर मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। और ये ऊपर का मैंने अलग से लिया है, इसका 150 रुपये पड़ गया, वो मैंने मार्केट से लिया। और दिन में किसी काम से बाहर गया था तो मार्केट में दिखा, तो मैंने ये ले लिया। चलो चाय बना के मैं आप लोगों के साथ बातें करता हूँ। तो कल जो मैंने चाय बनाया था वो चाय अभी तक बचा हुआ है, तो मैं इसको आउट करता हूँ। कल मैंने पिया था उसको, इसको फेंक के चलो इसको वाश करना पड़ेगा। वाश करता हूँ, वाश करके फिर मैंने थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा मुझे इसमें बनाने के लिए। शायद आप लोग को नॉइस आएगा शायद बाहर का, क्योंकि मैं रोड के सामने रहता हूँ, गाड़ी बाइक का साउंड आप लोगों को यहाँ मिलेगा। चलो मैं नल को मैं बंद करता हूँ फटाफट से, और मैं जल्दी से बनाता हूँ चाय। चाय पीना ज़रूरी है सुबह सुबह, सबको पीने की आदत है। चलो मैं स्विच ऑन करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ एक रेड लाइट जलता है और यहाँ पे ऑन करने पर रेड लाइट भी जल गया, तो चलो हो गया रेडी। देखते हैं उसको ओपन करते हैं ढक्कन को। नमक खाने की मुझे आदत है, थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। चलो ये भी हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा हाथ धो लेता हूँ। धो लिए, मैंने शुगर को दूसरी तरफ रखा है, क्योंकि यार चींटी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसके लिए शुगर को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। पता नहीं अभी भी इसमें है या नहीं, पता नहीं, जहाँ कहीं भी रखा वो आ ही जाता है यार चींटी। तो अभी इसमें देखता हूँ है कि नहीं, शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से। ए जी जी देखो देखो, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जहाँ कहीं भी रखो वो पहुँच ही जाता है। तो चलो मैं इसको थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बातें कर। ये हो गया हमारा चाय रेडी। ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीने का देते इसके लिए, चाय पियो है बिंदास है। ले लो चाय ले लो। मैं भी चावल चाय ले लेता हूँ, चलो पीते। इतना गंदा पड़ा हुआ है गाइस, मेरा फैन देखो, अभी सबको पूरा क्लीनिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे हमने क्लीन करने के लिए सारे चीज़ को रेडी कर दिया था, और मैं ये प्लास्टिक को अपना बेड ढक रहा था इस प्लास्टिक से, ताकि वहाँ का जितना धूला इस मेरा बेड पे ना लगे। और ये मेरा ऐसा जी भाई है, ये क्लीन करने के लिए ऊपर उठ गया है, इसका थोड़ा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो इसलिए मैं चढ़ गया उसके ऊपर। और मैंने उससे ये ड्राई कपड़ा लिया, उसके बाद मैंने क्लीन करने पे लग गया। एक साइड से ही क्लीन कर रहा हूँ केवल, उस तरफ ये बेड की तरफ ये धूला वगैरह ना गिरे बोल के मैं उस तरफ से ही क्लीन कर रहा था। बहुत ज़्यादा गंदा था फैन, जैसे कि हम लोग तो 4 महीना हो गया इस रूम पे, लेकिन इससे पहले के लोग थे वो लोग क्लीन नहीं किए। और मैंने एक कपड़ा को मांगा, कपड़ा भिजा के दे दो बोल के, मैंने कपड़ा भिजाने के लिए आया, और कपड़ा भिजा के जैसे मुझे अभी देंगे तो भिजा हुआ कपड़ा सही बार मार दूंगा वो सारे पंखों को, तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा, फिर चलाने में अच्छा है। तो ये फैन हो गया पूरा क्लियर, देखो इतना ज़्यादा धुला था उसका पूरा, ये वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाइट वाइट जो आप लोग देख रहे हो उसका पूरा कलर चला गया है, इस तरह से हो गया था, इतना ज़्यादा धुला है। देखो कितना ज़्यादा कचरा है निकला, क्या ही बताओ आप लोगों को, देखिए आप लोग खुद देख सकते हो। इस पे इसके ऊपर उठ के मैं बेड ढका था मैंने इस तरह से,
जो कि इस पर कचरा ना लगे। तो फाइनली गैस हमारा फैन अभी क्लीन हो चुका है और सारे क्लीन करके अभी खाना बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ मेरा रूम पार्टनर अभी रेडी कर रहा है, आलू प्याज टमाटर वगैरह सब रेडी करके रखा है कटिंग करने के लिए, और चावल शायद रेडी हो गया हम लोग का, चावल रेडी है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग का काम ख़त्म हो के और नहा धोवा के दोनों रेडी है। देखिए भाई भी नहा लिया अभी और खाना वाना सब रेडी हो गया, खाना खाना के अभी बाकी है थोड़ा सा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।